दोस्तों, अगर आप भी मदद करने को एक बेहतरीन काम मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तमाम मुस्लिम देश एक हो चुके हैं और करोड़ों रुपए लगाकर कर रहे हैं तुर्की की मदद, जिसकी वजह से पूरी दुनिया हैरान है और तुर्की के दुश्मनों को ये बात हजम नहीं हो रही है। दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, 6 फरवरी को सीरिया और तुर्की में एक भयानक जलजला आया था, जिसकी वजह से ये दोनों ही देश तबाह हो गए थे। इसलिए तमाम मुस्लिम देश एक हो गए हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके इन दोनों देशों की मदद कर रहे हैं। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो या फिर भारत के मुसलमान हो, ये तमाम देश एक हो गए हैं और सीरिया और तुर्की की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इन सभी देशों में से कुवैत सबसे ज्यादा तुर्की की मदद कर रहा है और हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इसके अलावा बहरीन ने भी तुर्की में भूकंप पीड़ितों की मदद करने के लिए अपनी फौज के साथ जरूरी सामान भेजा है। मुल्क की सरकारी एजेंसी BNA की खबर में कहा गया है कि 15.7 टन खाने का सामान लेकर हमारे देश का जहाज हमारे दोस्त देश तुर्की की तरफ जा रहा है और हम हर तरह से उनकी मदद करने को तैयार हैं। दोस्तों, इसके अलावा सऊदी अरब ने भी तुर्की के लोगों के लिए 20 लाख खेमे बनाने का सामान भेजा है और साथ ही ये भी कहा है कि तुर्की को घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब भाई हैं और अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसके अलावा अल्बानिया से 2 जहाज भेजे गए हैं, जिसमें गद्दे, हीटर, कपड़े और दूसरा खाने का सामान शामिल है। दोस्तों, इसी तरह से हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से एक मुहिम चलाई गई थी, जिसमें तुर्की के बड़े बड़े अदाकारों ने, नेताओं ने और खिलाड़ियों ने चंद घंटों में करोड़ों रुपए जमा कर लिए थे। और इसी तरह से तमाम मुस्लिम देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और एक हो रहे हैं। तमाम मुस्लिम देशों की एकता देखकर ब्रिटेन और अमेरिका जैसे दुश्मन देश घबरा रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।